स्मार्ट सिटी के काम पर जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठा दिए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने साफ कह दिया कि यह जयपुर का दुर्भाग्य है कि योजना के तहत जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम हो नहीं पाया। हालांकि बैठक में कांग्रेस विधायकों के साथ ही हेरिटेज महापौर की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। बैठक में केवल सांसद रामचंद्र बोहरा, विधायक कालीचंद सराफ और कार्यवाहक महापौर शील धवाई ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में तीनों नेताओं ने काम की धीमी गति और सही काम नहीं होने पर नाराजगी जताई। बैठक में तय किया गया कि 13 नवंबर को एक बार फिर से बैठक की जाएगी। इसमें योजना के तहत अब तक हो चुके कार्य, वर्तमान में चल रहे कार्य और आने वाले दिनों में किए जा रहे कार्यों की वास्तविक रिपोर्ट पेश की जाएगी। और पूरे हिंदुस्तान में 100 सिटियों को स्मार्ट सिटी के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कि जयपुर को उसमें उन्होंने जोड़ा है। हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी ने जब नहीं लिया था तो उनसे हमने आग्रह किया और प्रधानमंत्री से मैंने भी बात की। माननीय प्रधानमंत्री उसको जयपुर को जोड़ने का काम किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। 1000 करोड़ का जो 500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 500 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से इसमें लगेगा। जो काम जयपुर में होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए। और आपको जैसे सांसद महोदय ने बताया कि राजस्थान में 4 सिटीज़ को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया है, उसमें से दुर्भाग्य है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर 4th नंबर पर है। तो आज सभी अधिकारियों से हमने निवेदन किया है और इन सबको हमने पाबंद भी किया है और टाइम बाउंड प्रोग्राम हमने इनसे मांगा है कि भाई ये काम सारे टाइम बाउंड प्रोग्राम के हिसाब से होने चाहिए। आज हमारे जो चेयरमैन साहब रामचंद्र जी बोला, उन्होंने पूरी समीक्षा बैठक की है कि किस प्रकार से जो स्मार्ट सिटी में जो वर्क होना चाहिए था वो हम उसमें कहाँ तक सफल हो पाए हैं, लेकिन जो हमने ड्रीम देखा है स्मार्ट सिटी का उससे हम अभी थोड़ा दूर नहीं चला रहे हैं। इसलिए हमारे चेयरमैन साहब ने इनको आदेश दिया है क्योंकि नगर निगम, हेरिटेज एंड ग्रेटर दोनों भी इसमें शामिल है, इनका भी दायित्व है दोनों का। तो हमारे प्रति जो हमारा दायित्व है स्मार्ट सिटी जयपुर कैसे बने, हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो कैसे एक साकार हो, इसके लिए हमने यहाँ पर